नमस्कार, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अंबरीश शुक्ल और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का पीडीएफ मेरे पास आ चुका है और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम चैनल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 650 पेज का पीडीएफ है तो उस पर पूरी चर्चा कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं मैं इसका सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। जिसका अनुक्रमणिका है उसको आप देख लीजिए, आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब साल भर में कई बार टेट की परीक्षाएं होंगी और वो भी एनटीए आयोजित करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। साथ ही साथ भाषा के जो शिक्षक हैं, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा के शिक्षक अलग से नियुक्त किए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषाएं और मानक भाषाएं जानने वाले अध्यापकों को दी जाएगी वरीयता। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीएड, बीटीसी और इन सब में जो न्यूनतम मानक रखा गया है वो कम से कम आपका 4 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए बीएड वाला, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। तो इसी तरह के कई ऐसे परिवर्तन हैं जो एकाएक आपको भौंचक्का रख सकते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे होगा। इस तरह के कई परिवर्तन, अप्रत्याशित परिवर्तन किए गए हैं। तो ये उसका पीडीएफ है, प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 650 पेज का है। इसकी जो संदेश शुरू में दिया गया है, संदेश के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं उनको डिस्क्राइब करके दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो अगला चरण दिया गया है वो अनुक्रमणिका दी गई है, तो अनुक्रमणिका में आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो विषय सूची, सबसे पहले प्रस्तावना विजन हो गया, भाग एक में स्कूली शिक्षा पर बातचीत है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख रेख शिक्षा सीखने की बुनियाद, बुनियादी साक्षरता का संख्यान, ड्रॉप आउट, बच्चों को शिक्षा में पुनः जोड़ना, स्कूलों में शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण शास्त्र। तो ये जो है 96 पृष्ठ पर जो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों का समग्र विकास, मूलभूत अधिगम, तार्किक चिंतन समृद्ध करना, कोष चुनाव में लचीलापन, विद्यार्थी को सशक्त बताना, मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा, बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति। तो ये जो पॉइंट है आपको देगा रोजगार। अगला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा, स्थानीय संदर्भ, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, विद्यार्थियों के लिए विकास को आकलन को बदलना, शिक्षक देखिए। अब भैया ये शिक्षक कैसे होंगे इसके लिए आप देख लीजिए, प्रभावी शिक्षक नियुक्ति और पदस्थापन। प्रभावी शिक्षक मतलब अब लोलू और जो पंगु टीचर है उनसे काम नहीं चलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुकूल स्कूल का वातावरण, संस्कृति, सतत पेशेवर विकास, कैरियर मैनेजमेंट, शिक्षक शिक्षा दृष्टिकोण, और उसके बाद समतामूलक और समावेशी शिक्षा, फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस और कुशल संसाधन उपलब्धता। इसमें क्या है, स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा छोटे स्कूलों का अलगाव समाप्त करना, तो छोटे छोटे जो दुकानें खुली हैं वो बहुत सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्कूलों का बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना, स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा एक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन, प्रभावी गवर्नेंस। फिर उसके बाद इसी में और आगे दिया गया है उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान हेतु इकाई दृष्टिकोण, संस्थागत पुनर्गठन, समेकीकरण, लेवल शिक्षा तक कदम। तो और आप ये देख ही सकते हैं पूरा। पेशेवर शिक्षा पर बल दिया गया है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सशक्त प्रभावी नेतृत्व की जो है बातचीत की गई है, एक नया आयोग ही बनने जा रहा है, तो वो नया आयोग एचआरडी मिनिस्ट्री के वर्क्स बनाया जाएगा और वो शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाएगा।
तो आप देख सकते हैं शिक्षा में बदलाव, ये 550 नंबर पृष्ठ पर है। तो आप इसको डाउनलोड करके आसाम से पढ़ सकते हैं खूब अच्छे से घर पे बैठ के कि क्या है और किस प्रकार से कहाँ से पैसा आएगा और कितना पैसा किस अध्यापक को दिया जाएगा उस पर भी है, अनुबंधन दिया गया है, फिर उसके बाद प्रस्तावना दी गई है। तो इसी में मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ कि कहाँ पर चर्चा की गई है कि साल भर में कई बार आयोजित होंगी यूपी टेट की परीक्षाएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो प्रौढ़ शिक्षा की बात हो गई और अभी मैं भी इसको पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन एक सरसई निगाह से मैंने पूरा देखा है। तो और भी जो प्रमुख और महत्वपूर्ण बातें सामने निकल के आती हैं मैं उसको दूसरे वीडियो में लाकर रखूँगा। और एक चीज़ तो तय हो गई है कि अब किसी भी प्रकार से सरकार जो है वो अच्छे अध्यापकों को ही रखेगी, बुरे अध्यापकों को, बुरा अध्यापक तो कोई होता नहीं, लेकिन जो अप्रशिक्षित अध्यापक हैं आप उनको, उनमें शिक्षा मित्रों को भी रख सकते हैं या इस तरह की जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं से एकदम बाहर कर दी गई हैं। शिक्षा मित्रों के लिए एकदम रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है और इनकी नियुक्ति अगर नहीं हो जाती, ये भारतीय भाषाओं का संवर्धन और प्रसार, तो अलग अलग भाषाओं के आप ज्ञाता हैं तो आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। फिर तो मैं बात कर रहा था ये शिक्षा में बदलावों की, आ गया है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो अब एक नया गठन होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे और अन्य जो इसके सदस्य 20 से 30 होंगे उसमें कुछ शिक्षाविद, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इस तरह के लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जल्दी गठित होने वाला है और ये भारत में शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये इसमें पूरा दिया गया है कि बजट कहाँ से आएगा, उसकी शब्दावलियाँ क्या हैं, पूरी विस्तृत चर्चा है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ क्रियान्वयन में वित्त पोषण कहाँ से होगा और निवेशन कहाँ से होगा, सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरतें क्या हैं इसमें है। अब मैं आपको उसी स्थान पर लिख चल रहा हूँ जहाँ पर इस बातचीत को रखा गया है कि किस प्रकार से अध्यापकों को कई बार टेट की परीक्षा देनी होगी, मतलब साल भर में वो कई बार टेट की परीक्षाएं दे सकते हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी आफत आने वाली है इसके माध्यम से और उनके लिए भी निर्धारित किया जाएगा फीस वगैरह का स्ट्रक्चर, किताबें, पाठचर्या अपने आप को लागू नहीं कर सकते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही करिकुलम जारी करेगा, विषय का निर्धारण वही करेगा, छात्रों को विषय थोपे नहीं जाएंगे। तो ये सारी मुख्य बातें हैं उसमें। अब इसमें हम दिखाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, साथ ही साथ अगर आप IAS या PCS का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये लिखित परीक्षा में निबंध के तौर पर इस बार प्रश्न आ सकता है। तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए भी बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है इसमें। शोध के लिए एक खास बात आपको मैं बता दूं कि शोध के लिए एक अलग आयोग ही बनाया जाएगा जिसका नाम होगा NRF। तो NRF जो है अब शोध करवाएगा, जो UGC के थ्रू सारा काम होता था उसके स्थान पर अब NRF काम करेगा और इसमें एक मुफ्त खर्च मिल जाएगा NRF के लिए। तो ये भी अच्छा काम होगा। तो इसके बाद
ये बहुत सारा है, आप आसानी से चाहें तो उसको देख सकते हैं धीरे धीरे उसको बढ़ाकर। तो 2023 में 22 में जो मैं दिखा रहा था यहाँ पर है, तो ये आप देख रहे हैं टोटली बहुत बड़ा है और आसानी से इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें बातें की गई हैं। इसमें 5 वस्त का बुनियादी स्तर, 3 वस्त का प्राथमिक स्तर, 3 वस्त का उच्च प्राथमिक स्तर, 4 वस्त तक माध्यमिक स्तर, 9 से 12। एक और खास बात इसमें है कि अब 9 से 12 तक के विद्यालयों में होगा सेमेस्टर, हर एक कक्षा में 2 सेमेस्टर होगा। तो वैसे भी छमाही एग्जाम होता ही था लेकिन अब उसको सेमेस्टर माना जाएगा और उसका अंक मुख्य परीक्षा में भी जोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर दिया गया है कि माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 से 12 4 वर्ष का अध्ययन होगा और हर वर्ष 2 सेमेस्टर में बटा होगा, इसके कुल 8 सेमेस्टर होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसमें एक और खास बात आपको देखने को मिलेगी कि अध्यापकों का जो ग्रेडिंग है वह भी होगा। राज्य शिक्षा विभागों द्वारा उठाए जाने वाले कदम, तो ये आप देख सकते हैं राज्य के समग्र शिक्षा व्यवस्था जिसमें पूर्व प्राथमिक स्कूल भी शामिल हैं, एकमात्र नियामक के रूप में स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर राज्य नियामक स्कूल के जिम्मेदारी होगी। दोनों सरकारी निजी स्कूलों के साथ साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा जिससे निजी परोपकारी प्रयासों को बढ़ावा मिले, शिक्षक लोकहित वाली भूमिका सुनिश्चित की जाए। शिक्षा नियुक्ति प्रबंध व्यवस्था को सुधारा जाएगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित होंगे और गुणवत्ता के लिए प्रयास किया जाएगा। नंबर 1 में क्या किया गया है कि गवर्नेंस सुनिश्चित की जाएगी, स्कूलों के प्रमुख को सतत प्रोफेसर विकास दिया जाएगा और NCERT को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, SCERT के तर्ज पर विद्यालयों में पढ़ाई होगी। तो ये प्रमुख घटक हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के अंत में कक्षा 10 और 12 के स्तर पर सर्टिफिकेट की व्यवस्था को नया स्वरूप दिया जाएगा, विशेष तौर पर कक्षा 10 बार सर्टिफिकेट परीक्षा सेमेस्टर और मॉड्यूल आधारित परीक्षाओं को दर्शाएगी। स्वायत्त नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA विभिन्न विषयों और रुझान से संबंधित परीक्षा आयोजित करेगी जो वर्ष में कई बार होगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट में फिर से इसको दिखा देता हूँ। ये है, इसमें कहा गया है कि स्वायत्त नेशनल टेस्ट एजेंसी रुझान और संबंधी परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करेगी जिसे वर्ष में कई बार दिया जा सकता है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक ही बार दें, कई बार दे सकते हैं। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण कदम। तो ये PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डाउनलोड कर सकते हैं, ना भी सब्सक्राइब करें तो सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।